छात्रों और किसानों के लिए टूटता है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों और किसानों के लिए टूटता है जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ नाजुश मेहताब। अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर CPIM और जितने भी छात्र संघ हैं और किसान संघ हैं उनके तरफ से एक मार्च बुलाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा गांधी मैदान यहाँ पर किसानों से भरा हुआ है और यहाँ से एक मार्च निकलने वाली है जो कि राजभवन तक जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों में पप्पू यादव ने कृषि कानून के खिलाफ एक मार्च राजभवन तक निकाला था तो उन पर पुलिस या गुंडागर्दी की गई थी, उन पर लाठीचार्ज की गई थी और उनके काफिले पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो भी किसान हैं उनकी हक की आवाज़ क्या सरकार सुन पाएगी, तो देखेंगे। अभी हम चलेंगे और किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या। कहना चाहता हूं कि जो आज दिल्ली में 35 दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं किसान लोग, मैं उनके समर्थन में पूरे देश के हर राज्यों में यह आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। ये और यह मानना चाहिए कि जब तक ये कानून, काला कानून किसानों को वापस नहीं लेगा, बिजली कानून जो प्रस्तावित है उसको वापस नहीं लेगा, इसीलिए जब तक यह काम पूरा नहीं करेगा और मोदी अंबानी के बात पर जो है ये सरकार चल रही है, कहती है किसान की अगर बात मान लिया जाए तो अदानी अंबानी हम पर अविश्वास करेंगे। इसका मतलब है इनकी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का है। किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रहा है, अभी कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर चल रहा था, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश का खतरनाक कानून बनाए हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो कृषि बिल लाए हैं। एक कृषि बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉरपोरेट पूंजीपति जो है ये इनकी धान क्रय केंद्र खोल करके गोदामों में स्टॉक करेंगे और देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगा। तो हम किसान हैं, मजदूर हैं, मजदूरों की अनाज की ज़रूरत है, मजदूर की अनाज बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो देश के किसानों से सरकारी जो दर है 1888 रुपया, हम लोगों का मांग है ये जो कृषि तीनों काला कानून को वापस ले। जिस तरह से हमारे किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री अभी तक जो है किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ पूंजीपतियों के साथ हैं, पूंजीपतियों के साथ रहेंगे, अंबानी अडानी मालिया जितने भी गुजराती हैं, जितने भी गुजराती देश को लूट लिया है, आज उस लुटेरों के साथ हैं और हमारे देश के, हमारे भारत के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये तीनों कृषि कानून को वापस लेना। अभी जो किसान आंदोलन को लेकर के जो किसान संघ के जो लोग हैं और किसान जो हैं वो सारे जो है कि डाक बंगला चौराहे पर पहुंच चुके हैं और यहां पर बीच में झड़प हो चुकी है आंदोलनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच। यहां पर जो है कि लाठी चार्ज करने के लिए भी यहां पे जो प्रक्रिया है वो अभी यहां पर लोग पुलिस तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद क्यों नहीं होती? कोसी के इलाका एशिया में सबसे ज़्यादा मक्का पैदा करता, सरकार ने 1850 रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया, आज भी उनके घरों में मक्का सड़ रही है, लोग औने पौने दाम में मक्का बेचा लेकिन समर्थन मूल्य पर मक्का नहीं खरीद की गई। अभी धान 1865 रुपये क्विंटल सुनिश्चित किया गया समर्थन मूल्य, लेकिन 1100-1100 रुपये क्विंटल किसान धान बेच रहे हैं, समर्थन मूल्य पर सरकार धान नहीं खरीद रही है। और जब यह कानून
लागू होगा तो सरकार को समर्थन मूल्य से कोई की मतलब नहीं। देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया है, लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही है। आप साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं पर भी लाठी बरसाई जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो हटाने की कोशिश कर रही है और बहुत लोग घायल भी हो रहे हैं। पुलिस मार रहा है, पुलिस कुल का मार रहा, मारता है, पुलिस का बच्चे मारता है, कुल का मार रहा, जांच किया और मोदी सरकार का क्या बात निकले, क्या बात मारता है, कहाँ मारा पुलिस, प्रशासन पुलिस क्या बात है मारा प्रशासन काल की, क्या खाते हैं तुम्हारा, मोदी क्यों तक मोदी दोगला है, कर दिया मोदी चुटिया, पुलिस जब जाओ मोदी सरकार घूर सकती है तो पुलिस को आगे कर देता, ये मोदी सरकार पुलिस प्रशासन को आगे कर देती है, नीतीश की सरकार मोदी का गुंडा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पुलिसिया गुंडागर्दी की गई है और प्रदर्शनकारी भी यहाँ पे आक्रोश के साथ यहाँ पे लगे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के साथ स्वभाव करती नजर आ रही है। आंदोलन है जो कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन है वो यहाँ पर हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो है यहाँ पर उग्र होती हुई आप नजर आ रही है। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो पूरी तरह से वो सामने आ गई है और अब बिहार पुलिस मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगते हुए लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है, लाठीचार्ज कहाँ हो रहा है, लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, लाठीचार्ज हो ही नहीं रहा ना, नीतीश मोदी चोर है, चोर है, चोर है, नीतीश मोदी चोर है, चोर है, महिला का गुंडागर्दी कर रहा था, किसान सब के सब के भूखे मर रहा था, जेल पैसा वापस ले रहा था, चिंता नहीं थी, यहाँ कोई बैठा था चट्टी बिछा करके प्लास्टिक रेलिंग पर कोई बैठा था, पुलिस वालों ने झटका दिया है, हम लोग अभी तक पुलिस पर कुछ लाठीचार्ज नहीं चले हैं, जबरदस्त अरे मोदी का जो नीति कानून का हम खिलाफ कर रहे हैं, हम क्या किसी को बिगाड़ रहे हैं, न पुलिस से झगड़ा न झंझट, हम लोग अपने बैठक लेते धरना पर सकते। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन है काफी उग्र हो चुका है और पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लाठी चार्ज की गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो महिलाएं हैं वो किसान के घर से ही आती हैं और किसानों पे ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है, आखिर क्या सोच समझकर सरकार इस तरह की कदम ली जा रही है और महिलाओं के साथ पुलिस या गुंडागर्दी क्यों की जा रही है, ये सोचने वाली बात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र हो चुके हैं और अपना प्रदर्शन लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आंदोलन जो है प्रदर्शन उग्र हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप, लाठीचार्ज क्यों किया गया, सर लाठीचार्ज क्यों हुआ, वो जवाब सर आप जवाब दें, आप यहाँ के अधिकारी हैं, सर लाठीचार्ज क्यों किया गया, सर प्रदर्शनकारियों के साथ गुंडे की तरह व्यवहार क्यों होता है, नहीं हुआ सर, क्या लाठी चार्ज करना सही है अभी इन किसानों पर, इन क्रांतिकारियों पर, सर यही किसान ही है, पुलिस यहाँ लाठी से मारा, हम लोग अपना मांग मांगने का आया, डंडा चलाया पीटा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पे लाठी चार्ज हुआ था, अभी उसी प्रकार में यहाँ पे वाटर कैनन भी मंगाया गया है, वाटर कैनन की एक गाड़ी आ चुकी है और प्रशासन जो है वो काफी तेज हो गई है, मुस्तैद हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रदर्शनकारियों पे पानी की बौछार हो गई और क्या कुछ प्रदर्शनकारी आगे आके करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रदर्शनकारियों के साथ किस तरह से पुलिसिया गुंडागर्दी की गई और साथ ही साथ महिलाओं पे भी लाठी चार्ज किया गया है। अभी हम मौजूद हैं डाक बंगला चौराहे पे और अभी भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ की वहां पर वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगाई गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं कि उनके जो मांग है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर उतनी दूर तक वहाँ तक लोग अभी भी मौजूद हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ATN Live India, मैं हूँ आपके साथ नाजिश मेहताब।